तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। आपका भाई भी मस्त है, ज़बरदस्त है। तो आज मैं कहाँ रुका था वो आप सबने देखा। तो दोस्तों सामने साइकिल अपना रेडी है, सिरा रेडी है, और मैं भी नहा धो के फर्स्ट क्लास। सामने बाथरूम बना था, वहाँ पर नहाया धोया फर्स्ट क्लास, चाय पिया, बिस्किट खाया और निकल रहा हूँ अपने अगले सफ़र पर। तो आप कमेंट करिएगा और मिलते हैं अपने सफ़र पर। सामने देख रहे हैं ये है सोनमर्ग सिटी का स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ से सोनमर्ग स्टार्ट है। बाकी पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप घोड़ों की राइडिंग भी कर सकते हैं। ये सब जो घोड़े आपको दिख रहे हैं ये इसी के लिए है। चलते रहिए, आज अपना टारगेट द्रास है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। साथियों ले यहाँ से 345 किलोमीटर है, और कारगिल है 119 किलोमीटर, द्रास है 62, बालटाल है 15 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। यहाँ बोर्ड लगा था, मैं सोचा आप सबको दिखा दूँ। तो साथियों कैसे हैं आप सब। साथियों आपसे यही बात कहनी थी कि जब भी ज़िंदगी में कोई टास्क लो ना तो अपने दम पर लेना, अपनी हिम्मत, अपने जो अपने अंदर विल पावर है ना उसके ऊपर टास्क लेना। ज़िंदगी में कभी ऐसा ना हो कि मतलब आप टास्क लो और आपके अंदर वो क्वालिटी ना हो, वो कैपेसिटी ना हो, फिर बात नहीं बनेगी। ज़िंदगी में अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हटोगे ना फिर आपके लिए सही है। आज आपका भाई 12वें दिन पे यहाँ पर पहुँचा है, तो ऊपर वाली कृपा है, आप सबका सहयोग है तो यहाँ तक पहुँचा है। बाकी ब्लॉग देखा करो, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ब्लॉग में जितना दिखना आसान होता है और उसके पीछे उतना ही बहुत मुश्किल होता है। तो ठीक है, अभी अपना सफ़र जारी है, मिलते हैं आप सबसे अगले सफ़र पर। साथियों सुबह का पहला ब्रेक लिया हूं और यहां पर थोड़ा सा कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह वहां से चाय बिस्कुट खा के निकल गया था, और अभी यहाँ कुछ खाते हैं। खाने में क्या, मैगी चाचा को बोल दिया हूँ, चाचा तैयार कर रहे हैं मैगी, और मैगी यहाँ से खाते हैं फिर अपने सफ़र पर निकलते हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं व्यू, मैं आपको दिखाऊं बैक कैमरे से, तो ऐसा कुछ व्यू है। और साइकिल सामने रेडी है, और यहाँ एक दुकान थी यहाँ पर रुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। साथियों अभी मैं सोनमर्ग से चले हुए करीब मैं 9:15 बजे चला था, अभी 11 बज रहा है, और लगभग 7.5 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया, और ऊंचाई ज़्यादा है। ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से सफ़र बहुत ही कम कट रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर तक चढ़ाई है, बालटाल तक चढ़ाई है। बाकी चल रहा हूँ, रास्ते में अभी काफ़ी यूट्यूबर लोग मिले थे, उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया और काफ़ी मोटिवेट किया, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने सफ़र पर। साथियों इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद थोड़ा सा ढलान आया, बाकी आपके भाई को थोड़ा सा आराम मिला। वाह, ऊपर वाला मेहनत का फल देता है, किसी न किसी रूप में फल देता है दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या लोकेशन है, क्या व्यू पॉइंट है। चल रहे हैं, तो इस खतरनाक चढ़ाई को चढ़ते हुए मैं जा रहा हूं। बाकी आप देख रहे हैं पहाड़, बर्फीले पहाड़। साथियों अगर आप सब बालटाल नहीं देखे हो तो बालटाल सामने शहर है,
सामने जो दिख रहा है ना झोपड़ी सा, वो है बालटाल। और इसके जो पहाड़ी है, पहाड़ी के उस पार बाबा अमरनाथ जी की गुफा है। तो लगभग लगभग मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। इसी पहाड़ी के बैक साइड में बाबा अमरनाथ जी की गुफा है। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने अपने सफ़र पर। तो साथियों, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मैं रुका था और आज मैं पी रहा हूँ कश्मीरी कहवा। बहुत टेस्टी है दोस्तों, वाकई अगर आप जब भी कभी कश्मीर आते हैं तो कश्मीर का कहवा ज़रूर टेस्ट करना, बहुत टेस्टी है। आप देख सकते हैं कहवा के साथ साथ यहाँ की जो नज़ारे हैं वो वेरी वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ठीक है दोस्तों, कहवा पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो साथियों, अभी एक बज चुका है, सामने आप देख रहे हैं चढ़ाई। इस तरह से चढ़ते हुए सामने साइकिल अपना रेडी, इधर से होते हुए वो सामने बस जा रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो वो देखो एक गाड़ी जा रही है, वो एक गाड़ी जा रही है उधर से होते हुए। उसके बाद ऊपर टॉप होते हुए वो आप देख सकते हैं, उधर से होते हुए फिर जाना है। तो चल रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिया करो, कर दिया करो भाइयों। तो साथियों, 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद, मैं दोबारा कहूँगा, 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आपका भाई 0 पॉइंट पर पहुँच चुका है। और 0 पॉइंट पर क्या नज़ारा है वो ज़बरदस्त दोस्तों। जो 6 घंटे की मेहनत थी ना, वो सारी मेहनत ख़त्म हो गई। तो आइए आपको दिखाते हैं मैं कहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो सामने आप देख रहे हैं 0 पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ। आपका भाई बिल्कुल अभी आराम कर रहा है, थोड़ा सा तिरपाल बिछाकर। बाकी सामने आप देख रहे हैं टूरिस्टों की भरमार हुई पड़ी है। यहाँ पर सब जो स्केटिंग होता है और स्कूबा डाइव क्या क्या होता है, ठीक है मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं। और ये सामने बर्फीले पहाड़ है और ज़बरदस्त टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं। और सामने अपना साइकिल खड़ा है। और तो साथियों, आपका भाई आ गया बर्फ में, आप बर्फ देख सकते हैं, प्योर बर्फ है, प्योर ये देख सकते हैं, ये प्योर बर्फ है दोस्तों। ये है मस्ती दोस्तों, ये है मस्ती। ओ लोग दूर दूर तक जो है कि बर्फ पे ऊपर से होके फिर नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल मेला सा लगा हुआ है आप देख सकते हैं। बहुत फिसलन भी है, ये जो बर्फ है बहुत फिसलन भी है। ये वो गाड़ी होती है जो ऊपर जाती है, स्नो बाइक राइडर। कैसे क्या रेट में है भाई साहब, क्या रेट में है, फिर भी आप बताओ कितना? 1200। दोस्तों अगर आप आते हैं तो 1200 की राइडिंग है, स्नो राइडिंग की जो है वो 1200 की है। इस तरह से लोग कर रहे हैं। बाकी अभी आपका भाई स्नो राइडिंग नहीं करेगा, बाकी बर्फ पहली बार देख रहा हूँ, बहुत नज़ारा है बर्फ में दोस्तों।
बहुत ही जबरदस्त नज़ारे हैं। बर्फ पे चलना कितना मजा आ रहा है, कितना ठंडा ठंडा है। साथियों अपना सफर जारी है, अभी एक अंग्रेज भाई साहब मिले थे आइलैंड से, तो फोटो खिंचाए तो सर सामने खड़े हैं, और अपना सफर जारी है। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रोड है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी ढलान भी है। बाकी कोई बात नहीं, चल रहा हूँ, आपका भाई चल रहा है। सामने बर्फ का देख रहे हैं, बर्फ़ जमा हुआ है, वो पिघल के पानी तरह बह रहा है। बाकी सफ़र ये है अपना, आपका भाई यहीं पर है दोस्तों। तो चलते हैं आगे अपने मंजिल पर। द्रास लगभग 30 किलोमीटर है, कोशिश रहेगी। बाकी आप लोग आशीर्वाद दीजिए आपका भाई मंजिल तक पहुँचे। कुछ कहा नहीं जा रहा दोस्तों, बहुत बहुत मेहनत लग रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल दोस्तों। बस आँखों से आंसू नहीं आ रहे, बस कितनी मेहनत बताऊँ आप सबको, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो साथियों आप पहाड़ देख रहे हैं, साथ में नदी देख रहे हैं, व्यू पॉइंट यहाँ देख रहे हैं। आपका भाई चल रहा है मस्त, हाथी की चाल में चल रहा है, पर चल रहा है। ये भी पॉइंट आप देखिए, है ना जबरदस्त। चिल्ड, जस्ट चिल्ड। साथियों अभी मैं मटियान पहुंचा हूं, ये द्रास से लगभग 20 किलोमीटर पहले है, और यहां पर एक होटल सा है, वहां पर स्टे करने के लिए बोला हूं। अभी बोले कि मालिक जी आ रहे हैं, फिर आप साथियों ये वो व्यू है जहाँ मैं आज रुकने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा होता है अगर बात बन गई तो ठीक है,